राय विधानसभा के भैरा बांकीपुर गांव में होने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली के भाई मायराम कौशिक ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उन्होंने कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री चौहान बेल्ट के गांवों में इतनी बड़ी सौगात देने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके बड़े भाई व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और प्रदेश के सीएम नायब सैनी की जोड़ी आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का परचम लहराने को तैयार है। पूरे राजपूत समाज में उत्साह का माहौल है, जैसे दिवाली के ऊपर होता है ऐसे पूरे जो हमारे ये गांव हैं राजपूत समाज के सब में बहुत उत्साह है। और महाराणा प्रताप की मूर्ति का आवरण करने के लिए स्वयं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। कल 10 बजे इस मूर्ति का आवरण होगा और पूरे समाज में एक बिल्कुल जैसे दिवाली के ऊपर श्री रामचंद्र जी आए थे उत्साह है, ऐसे ही नायब जी के आने पर यहाँ पूरे समाज में उत्साह है। और कौन कौन यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, अनुराग ठाकुर जी, संजय सिंह जी, महिपाल डांडा जी और अनेक हस्तियाँ मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरा राजपूत समाज उनके आगमन की तैयारी में है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। यहाँ सरपंच है जयराम जी, तार सिंह जी, दीपक चौहान जी, करणी सेना के अध्यक्ष अम्मू जी भी आ रहे हैं। पूरे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया जाएगा और महाराणा प्रताप की मूर्ति का आवरण करके जाएंगे। साहब यहाँ के सौगात देंगे, पृथ्वीराज चौहान के नाम से कॉलेज की स्थापना होगी और जो भी राजपूत समाज मुख्यमंत्री सामने डिमांड रखेगा, देश के हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सब की पूरी करके जाएंगे जी। काफ़ी दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा में थे हम सब। हमने फरवरी में इस काम के लिए मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था, चुनाव आचार संहिता के कारण इसमें डिले हो गया। अब हमें समय मिला है, सारे क्षेत्र में बड़ा ही उत्साह है। महाराणा प्रताप की मूर्तियां वैसे तो कई जगह लगी हैं लेकिन इस राजपूत बेल्ट में ये पहली मूर्ति है। लोग काफ़ी उत्साह से इसकी प्रतीक्षा में है और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस छोटे से गाँव में आने के लिए समय दिया है। आज तक यहाँ किसी गांव में खादर बेल्ट में कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था, ये हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे विधायक जी मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इससे उत्साह है काफ़ी लोगों में। और कल आने वाले समय में 11 बजे काफ़ी उत्साह से स्वागत किया जाएगा। ये सब गांव वालों के लिए, राय हल्के के लिए, पूरी सोनीपत की जनता, जिला सोनीपत की जनता के लिए बड़ी खुशी का विषय है। और निरंतर जैसे आप ये कार्य देख रहे हो कि माननीय नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी की जोड़ी लगातार ऐसे कार्य कर रही है, जिससे ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी की जोड़ी अब हरियाणा में एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है और कार्य इतने निरंतर रूप से जारी है कि आने वाली सरकार इनके मार्गदर्शन में बनने जा रही है, बड़ी खुशी का विषय। गांव मनोली से हूँ, भारतीय किसान संघ में काम करता हूँ और हमारे को जो ये मुख्यमंत्री जी का यहाँ पधारने का अवसर मिला है ये सिर्फ और सिर्फ मोहन बड़ोली जी की देन है, क्योंकि वो इस एरिए से बहुत लगाव रखते हैं और इस एरिए को अगर कोई देख रेख कर रहा है तो ये बीजेपी की देन है, नहीं तो इस एरिए को हमारे को पिछड़ा हुआ मान करके कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल यहाँ आते नहीं थे। प्रदेश संगठन महामंत्री करनी सेना जी जी, कल सीएम साहब पधार रहे हैं गांव के अंदर, कितना खुशी का माहौल है यहाँ पर? बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से देश के जो नायक रहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अन्य महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाने का कार्य भी क्षेत्र में किया जा रहा है, ये मांग हमने राय से जो हमारे विधायक हैं मोहनलाल बड़ोली जी उनके सामने रखी थी कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाए और जो ये सड़क है इसका नाम भी अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर कर दिया जाए। तो इसमें हमारे जो विधायक जी हैं उनका बहुत प्रयास रहा, उन्होंने ये बातें आगे रखी और इस मूर्ति को लगने के बाद उन्होंने हमारे से वादा भी किया है कि भाई इस जो ये सड़क है इसका नाम भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर कर दिया जाएगा।